अगर कोई किसी को हर्निया है तो वो किस तरीके से किस किस प्रोसीजर से गुजरेगा जांच करवाने के लिए? जी जांच करवाने के लिए जी इसका देखिए, आज के इस जमाने में एक हर्निया एक ऐसी बीमारी जिसको कि एक सर्जन जो क्वालिफाइड इनफ है वो क्लिनिकली मरीज को एग्जामिन करके ही बता देगा कि हर्निया है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए ऐसा कोई बहुत बड़ी जांच सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ वो पेशेंट को एग्जामिनेशन अच्छे से प्रॉपरली एग्जामिनेशन बता देगा कि हर्निया है या नहीं है, कैसा हर्निया है। ठीक है, दूसरी चीज बहुत हुआ तो कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं पेशेंट के संतुष्टि के लिए, वो जरूरत नहीं पड़ती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज गुड इनफ टू डायग्नोज हर्निया, मतलब कि जो शारीरिक जांच जो सर्जन करता है वो गुड इनफ है टू हर्निया का डायग्नोसिस बनाने के लिए कि हाँ मरीज को हर्निया है या नहीं है। ठीक है, अगर कितनी बार मरीज बोलता है जी हमें तो नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में किसी रेडियोलॉजिस्ट से हमें अल्ट्रासाउंड करके मरीज को हम संतुष्टि दे सकते हैं कि हाँ आपको हर्निया है और इसका इलाज आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार मरीज नहीं ये सोचते हैं कि बीमारी मुझे कैसे हो गई, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इन कंडीशंस के लिए, वरना एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज गुड इनफ टू डायग्नोस हर्निया। एक जो सब बहुत ही अहम सवाल है हर्निया को लेकर के, वो ये है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, इलाज में कितना खर्च होता है? हर्निया की कॉस्टिंग, सर्जरी की कॉस्ट, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा या जी देखिए, सभी व्यूअर्स एंड लिसनर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कुछ भी है, देखिए प्रिमिटिव सर्जरी पुरानी सर्जरी हमेशा सस्ती होती है, नई चीजें महंगी होती है, तो वही यहाँ भी अप्लीकेबल होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में लैप्रोस्कोप है, गैस है, हम दूरबीन पे देखते हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है कि पेशेंट जल्दी ठीक होकर घर जाता है, तो ये चीजें कॉस्टली है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ हर्निया सर्जरी महंगी है। ठीक है, और कंपेयर टू ओपन सर्जरी, ओपन सर्जरी में चीजा लगाते हैं जिसमें पेशेंट को पेन ज्यादा होता है, पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन, पोस्ट ऑप पेशेंट ठीक होना थोड़ा टाइम लगता है, तो कॉस्टिंग ऐसा कि हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि इसमें कितनी बड़ी डस्ट डालनी है, क्योंकि हर हर्निया सर्जरी में हम एक जाली डालते हैं। ठीक है, तो किसी का छोटा डिफेक्ट उसमें छोटी जाली डलती है, किसी का बड़ा डिफेक्ट है तो उसमें बड़ी जाली डालते हैं। अम्बिलिकल हर्निया है, नाभि का हर्निया है, उसमें बिना जाली के कितनी बार काम चल जाता है। ठीक है, तो हर पर्सन टू पर्सन, हर पेशेंट टू पेशेंट ये हर्निया सर्जरी की कॉस्ट वेरी करती है। मोर और लेस ओपन सर्जरी है तो 30-40 थाउजेंड में इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो टेक 70-80 थाउजेंड इन अ सिटी लाइक पटना और कहीं भी, अगर मेट्रोज में जाएंगे तो दिस विल कॉस्ट मोर। दवाइयों से भी क्या हर्निया का इलाज पॉसिबल है या सिर्फ ऑपरेशन ही एक आखिरी विकल्प दवाइयों है? से जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हर्निया प्योर एंड प्योर एक सर्जिकल डिजीज है, मतलब इसका इलाज हम दवाइयों से अगर सोचें तो वो मरीज को समझिए कि गलत चीज़ें गुमराह करने वाली बात हो जाती है। हर्निया का इलाज ऑपरेशन से ही संभव है, इसका कोई भी उपाय दवाइयों से नहीं पॉसिबल है, इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही है। आप चीरे से करवाएं या दूरबीन से करवाएं वो आपकी चॉइस है, लेकिन दवाइयों से इसका उपाय नहीं है कोई इलाज।